इसके एब्डोमन के सिम्टम देखते हैं, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट स्टेज ऑफ डायसेंट्री, उसमें हम दे सकते हैं ये मेडिसिन, जहाँ पे विद मच ब्लड इन डिस्चार्जेस, मतलब फर्स्ट स्टेज की कोई भी डायसेंट्री है या डायरिया है उसमें देंगे, या ब्लड जहाँ निकल रहा है, हेमरॉइड्स है, ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, वहाँ हम फेरम फॉस दे सकते हैं। उसके अलावा कोई इन्फ्लामेशन है वहाँ दे सकते हैं। कंटेन्स म्यूकस एंड ब्लड, अर्जिंग बट नो टेनेस्मस, कॉन्स्टिपेशन विद प्रोलैप्स एंड हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स इन्फ्लेम्ड और ब्लीडिंग, ब्राइट रेड ब्लड। उसके बाद है रेस्पायरेटरी सिम्टम्स, इसमें भी आपको यही 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एक इन्फ्लामेशन होगी, एक है फर्स्ट स्टेज और एक ब्लड, इन 3 चीज़ों के अंदर आप फेरम फॉस दे सकते हो। ठीक है, सो नोज के अंदर क्या है, कंजेस्टेड म्यूकस मेम्ब्रेन, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल कोल्ड इन द हेड, प्री डिस्पोजिशन टू कैच कोल्ड, कैटारल फीवर, एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस मतलब होता है नाक से खून निकलना, ब्राइट रेड ब्लड। चेस्ट में क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑल इन्फ्लामेटरी अफेक्शंस, कंजेशन ऑफ लंग्स, कफ, हार्ड ड्राई विथ सोर चेस्ट, शॉर्ट पेनफुल टिकलिंग कफ, कफ बेटर एट नाइट, एक्सपेक्टोरेशन। तो वही इन्फ्लामेशन है फर्स्ट स्टेज का चेस्ट कंप्लेंट्स में, कहीं पे भी उसमें हम दे सकते हैं, कंजेशन हो रखा है लंग्स में, ठीक है उनमें हम दे सकते हैं, कफ है, हार्ड ड्राई है, सोर चेस्ट हो रखा है, पेनफुल है बहुत ज़्यादा, टिकलिंग से कफ हो रही है एकदम, कफ रात के टाइम रिलीफ हो रहा है जिसमें, उसमें हम फेरम फॉस दे सकते हैं, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ प्योर ब्लड इन निमोनिया, तो उसमें हम दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें है कि जैसे ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, तो उसमें हम दे सकते हैं, यंग छोटे बच्चों में जैसे ब्रोंकाइटिस हो गया, हीमोटाइसिस, हीमोटाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड निकलना कफ के दौरान, ठीक है, कफ के साथ ब्लड निकलना, और निमोनिया में ब्लड जब निकल रहा हो तब, क्योंकि ये है क्या, ब्लड वाली रेमेडी फेरम फॉस। उसके बाद है यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स में दिया हुआ है फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू यूरिनेट, यूरिन स्पर्ट्स आउट विद एवरी कफ, कफ करते टाइम यूरिन पास हो रहा है तब दे सकते हैं, फ्रीक्वेंट डिज़ायर हो रहा है यूरिन पास करने का। देन हेमेटूरिया है, हेमेटूरिया का मतलब क्या होता है कि ब्लड निकलना यूरिन के साथ, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस है क्योंकि फ्रीक्वेंट डिज़ायर है, इनकॉन्टिनेंस है, बार बार यूरिन पास हो रहा है, इरिटेशन एट द नेक ऑफ ब्लैडर, पॉलीयूरिया, इरिटेशन नेक ब्लैडर के ऊपर जो इरिटेशन है पॉलीयूरिया है। देन डाईयूरिनल एन्यूरेसिस, मतलब कि दिन के टाइम में यूरिन पास होना अनकॉन्शियसली, मतलब वो पर्सन अपने एफर्ट से नहीं करे, अपने आप ही पास हो रहा है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हो जाती हैं जैसे कि उसमें जेनाइटल सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि मेंसेस एवरी 3 वीक्स, प्रोफ्यूज विद प्रेशर इन एब्डोमन, बहुत ज़्यादा हर 3 हफ्ते में मेंसेस आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ प्रेशर फील होगा एब्डोमन में, स्मॉल एंड स्मॉल ऑफ द बैक एंड पेन ऑन टॉप ऑफ हेड, तो बैक पेन और हेड पे पेन होएगा, वेजिनेसमस, वेजाइना ड्राई हो जाता है, हॉट होएगा, पेनफुल होएगा क्वेश्चन के टाइम पे, एंड बीयरिंग डाउन सेंसेशन, कॉन्स्टेंट डल ओवेरियन पेन, ओवेरियन रीजन पे पेन हो उसमें हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। साथ में इसमें दिया हुआ है कि जैसे वजाइना में कोई पेन है, ड्राइनेस है, उसके अंदर भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं, मेंसिस का बता ही दिया, ब्लीडिंग क्योंकि हर जगह हो रही है तो मेंसिस में तो प्रोफ्यूज होगी होगी। फिर आती है बैक एंड एक्सट्रीमिटीज, स्टिफ नेक फ्रॉम कोल्ड, आर्टिकुलर रूमेटिज्म स्पेशली ऑफ द शोल्डर, यानी कि शोल्डर जॉइंट जो होता है मान लो उसमें रूमेटिज्म है, ठीक है, स्टिफ हो गया वो जॉइंट, तो उसमें हम दे सकते हैं ये मेडिसिन, कोई नेक स्टिफ हो गया उसमें हम दे सकते हैं, पेन एक्सटेंड टू द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, शोल्डर से पेन चेस्ट में आ रहा है उसमें हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके अलावा विटलो, विटलो क्या होता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है, एब्सेस जैसे एब्सेस इन सॉफ्ट टिश्यू नियर फिंगर नेल और टो नेल, मतलब कि फिंगर नेल या टो नेल में कोई एब्सेस फॉर्मेशन हो जाना, तो एब्सेस के अंदर भी हम ये दे सकते हैं फेरम फॉस। पाम ऑफ द हैंड आर हॉट, ठीक है, अगर हैंड्स सूजे हुए हैं, वही इन्फ्लामेशन हो रखी है या सूजन आई हुई है हाथों में, पेनफुल है, रेडनेस है बहुत, तो उसमें हम फेरम फॉस दे सकते हैं। रूमेटिक पेन, वर्स फ्रॉम मोशन बेटर फ्रॉम वॉर्म्थ, रोमैटिक पेन्स में मोशन से तो थोड़ा अच्छा फील होगा लेकिन गर्मी में जाने से उसको, सॉरी मोशन से उसको एग्रेवेशन फील होता है लेकिन वार्मथ में जाने से उसको बेटर फील होता है। फीवर, ऑल कैटारल इन्फ्लामेटरी फीवर चिल्ड एवरी डे एट 1 PM, इसमें इन्फ्लामेटरी टाइप के जो फीवर्स होते हैं जितने भी जिनमें इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व हो वहाँ हम फेरम फॉस दे सकते हैं, और 1 बजे के दौरान इसमें पर्सन को चिल स्टेज आती है, हाई फीवर हो जाता है, क्विक पल्स है, और
इंक्रीज टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई फीवर है तो टेम्परेचर हाई होगा, पल्स तेज हो जाती है, कॉपियस नाइट स्वेट, रात में स्वेट होता है, ड्राई हीट ऑफ द पाम फेस थ्रोट एंड चेस्ट, थ्रोट चेस्ट वगैरह की ड्राई हीट, गर्मी निकलती है बॉडी में से। जनरल मोडालिटीज़ इसकी है कि रात के टाइम पे उसको एग्रेवेशन होता है, 4 to 6 AM में भी होता है एग्रेवेशन, टच से एग्रेवेशन है, मोशन से एग्रेवेशन है, राइट साइड में टर्न करने से एग्रेवेशन है, एम्लोरेशन होता है इसको कोल्ड एप्लीकेशन से, जैसे हेडेक के अंदर उसको एम्लोरेशन होता है कोल्ड एप्लीकेशन से। ठीक है, सो ये मेडिसिन है फेरम फॉस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।